दोस्तों, अगर आप लोगों ने कहीं पर भी लोन लिया है, एनबीएफसी से मैं बात कर रहा हूं, जो फ्रॉड लोन है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं आज। अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है और अगर आप लोग सोच रहे हो कि डिफॉल्ट हो गया हूं, जो एजेंट्स कॉल कर रहे हैं, क्या मैं सिम कार्ड जो है वो चेंज कर दूं या फिर जो है बंद कर दूं, तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप लोगों ने कोई एनबीएफसी से लोन लिया है और अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को हैरेसमेंट कॉल आ रहे हैं और आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग अपना जो है सिम कार्ड चेंज कर दो या फिर स्विच ऑफ कर दो, तो क्या कंपनी क्या कर सकते हैं आप लोगों के साथ, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आपने कोई भी एनबीएफसी से लोन लेते हो, टाइमली चुका देते हो, तो कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं करते हो टाइम पर, ओवरड्यू हो जाता है, तब आप लोगों के साथ क्या हो सकता है आप लोगों को पता है। आप लोगों के पास कॉल्स आएगा, हैरेसमेंट कॉल करेगा, आप लोगों को गंदा गाली देगा, बहुत सारा कुछ जो है आप लोगों के साथ हो सकता है। और आप लोग क्या करते हो, ये सब जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ होता है, आप लोग सोचते हो कि भाई अगर मैं अपना सिम कार्ड ही चेंज कर दूं, सिम कार्ड ही जो है बंद कर दूं, तो क्या हो सकता है, क्या करेगा कंपनी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को ये बोल सकते हैं कि अगर आप लोग सिम कार्ड चेंज कर देते हो, आपने अगर कोई कंपनी से लोन लिया है, तो वो कंपनी आप लोगों के अगेंस्ट जो है केस ले सकता है, केस कर सकता है, कोर्ट में जो है केस कर सकता है धोखाधड़ी का। तो सबसे पहले जो है ये बता देना चाहता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर मानो कि आपने लोन लिया है, आप लोगों ने अगर पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को टाइम चाहिए, ठीक है, सिंपल और सीधा बात, आप लोगों को टाइम चाहिए, जो कि एजेंट आप लोगों को कभी भी टाइम नहीं देगा। जब आप लोग एजेंट का फोन रिसीव करोगे, तब क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैरेसमेंट करते हैं, आप लोगों को धमकी देते हैं कि आपको जो है अभी आधा घंटा या फिर 1 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना है। ये जो है धमकी आप लोगों को मिलता है। लेकिन मानो कि 1 घंटे आधा घंटे में अगर आप लोग पेमेंट कर ही दे पाते, तो आप लोग टाइमली पेमेंट कर देते ना, यहाँ पे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को टाइम चाहिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, आपको टाइम चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आप जितना दिन आप ओवरड्यू करोगे, आपको एजेंट कॉल करके हैरेस करेगा, आपको गंदा गाली देगा, आपको धमकी भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो है सिम कार्ड चेंज करना। सिम कार्ड अगर चेंज कर देते हो, यहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि आपका सिम कार्ड चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, कोई ऑल्टरनेट नंबर आपने अगर दिया हुआ होगा तो वहां पे कांटेक्ट करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मानो अगर आपने उसका फोन रिसीव किया, तो आपका जो है दिमाग फ्राई करेगा, जो है आप लोगों को हैरेसमेंट करेगा, आपको जो है उल्टा सीधा बोलेगा, आपको बोलेगा अभी पेमेंट करो, अभी इसी टाइम पेमेंट करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, क्योंकि एजेंट आप लोगों का बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ही बात सुनना है, एक ही बात जानना है कि अगर आप लोगों ने लोन लिया है, डिफॉल्ट हो गए हैं, सीधा तरीके से आप लोग अपना सिम कार्ड जो है बंद कर सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि आरबीआई पे अगर फोन करते हो, जो कि 1-888 नंबर है, वहां पे अगर फोन करते हो आप लोग, तो वहां पे अगर आप बोलोगे कि ऐसे इस तरीके का एजेंट जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसे हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो वो खुद आरबीआई बोलेगा, आरबीआई के जो एजेंट है वहां पे, वो खुद बोलेगा कि आप उसको बात ही मत सुनो। एजेंट होता कौन है, एजेंट का पैसा आपने लिया है कि आपने इतना जो है आप लोग उसका बात सुनोगे। कंपनी का पैसा लिया है आपने, कंपनी को वापस भी करना है, ठीक है। लेकिन आपको अगर टाइम चाहिए तो टाइम देगा कंपनी, देना उनको चाहिए, ठीक है। आरबीआई से गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है, आपको टाइम चाहिए, तो आपको टाइम जरूर मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा डराएगा, बहुत सारा कुछ आप लोगों को बोल सकता है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, आपका जो ट्रू कॉलर जो एप्लीकेशन है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग सीधे तरीके से आपका सिम कार्ड चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होगा, आगे वाले पल में भी नहीं होने वाला है, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप लोगों ने सिम कार्ड चेंज कर दिया लोन डिफॉल्ट होने के बाद, तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। कुछ नहीं होने वाला, सिंपल और सीधा बात, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।